अभी कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? गरीबों की अब कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? ओ बैठ लो, बैठ लो, बैठ लो, हाय हाय, अटकन हाय हाय, हाय हाय, कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? सिर हाय हाय, भरतपुर एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय, अरजपुरा तहसीलदार हाय हाय, अरजपुरा तहसीलदार हाय हाय, अरजपुरा तहसीलदार हाय। सड़कों पे हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि आप सबको मीडिया कर्मियों को पता, आपने कल कवर किया कि कल मैं एक डेपुटेशन लेके लोगों के साथ तहसील ऑफिस में गई थी। वहाँ पे मेरे साथ कोई 30-40 के करीब पब्लिक थी। जैसे ही हम अंदर गए, तहसीलदार साहब अचानक गुस्से में आ गए और कहने लगे, इनको बाहर निकालो, ये लोग गंदगी हैं, जो पब्लिक है इनके लिए गंदगी है। और इतनी बल्गर लैंग्वेज यूज़ की मतलब कि, और बाद में मुझे यहाँ तक तानाशाही दिखाई गई कि हम पुलिस बुला के आपको अरेस्ट कराएंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं भी तो लोगों के लिए आई हूँ, आप अरेस्ट कराइए। और मैं एक मीडिया के थ्रू एक आवाज़ पहुँचाना चाहूँगी जन जन तक कि आपको पूरे जम्मू को कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप अप्रोच करिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन अब बात झूठ और सच की है। इस तहसीलदार ने तानाशाही दिखाई, लेडीज़ कांस्टेबल बुलाए और इवन मेरे को अरेस्ट कराया। 4 घंटे पुलिस स्टेशन आरएसपुरा में मेरे को रखा गया। एसएचओ साहब बोलते हैं कि हमें पता नहीं था आप वकील हो, आप लीडर हो। मैं वकील नहीं भी होती, मैं एक आम लेडी भी होती, आम पब्लिक के साथ ये लोग क्या करेंगे। और जैसे कि आप सबको पता है, कस्टोडियन लैंड्स इस वक्त जो मेन मसला है, कस्टोडियन ज़मीनें इसी तहसीलदार ने पूरी बेच खाई हैं। ये असिस्टेंट कस्टोडियन है, लेकिन इसकी नाक के तले मेरे पास सबूत है। आप, मैं सबूत भी आपको दिखाऊंगी। इसी की आरटीआई है जिसमें इसने एडमिट किया है कि ये कस्टोडियन लैंड और मौके पे एग्रीकल्चर कर दो रही हैं। और उसको कन्वर्ट किसने किया है? वो रजिस्ट्रार और तहसीलदार ने मिलके। और ये आपको पता है कि रेवेन्यू ऑफिशियल क्या करते हैं? बेसिकली इनको सच बोलने वाले लोग नहीं चाहिए, इनको सच लोग बोलने वाले लीडर नहीं चाहिए, इनको इनकी चमचागिरी करने वाले लीडर चाहिए। और ये आवाज़ दबेगी नहीं। अगर 2-3 दिन के अंदर ये बंदा रास्ते पे नहीं आया, इसने पब्लिकली अपनी गलती नहीं मानी, हम डीपकॉम के पास और जहाँ जाना पड़ेगा, और ये एक जनसैलाब उभरेगा। आज आप इतने लोग देख रहे हैं, ये जनसैलाब उभरेगा। कि एक नंदपुर कोठे का एक नाली का लेन और ड्रेन का मसला था, वहाँ पे जो अदर में काम छोड़ के काम इन्होंने कंस्ट्रक्शन का जो ठेका था वो बंद कर दिया था, जिसको लेके गांव वालों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। पानी खड़ा था मच्छरों की वजह से, अब परेशानी हो रही थी, जिसको लेके ये खुद भी उसमें एप्लीकेंट थे, इनका प्रॉब्लम थी, और लोग भी थे वो भी एप्लीकेंट थे। एक डेपुटेशन की शक्ल में हम गए, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर केस चल रहा था हमारा। वहाँ पे जाके मैडम के साथ उन्होंने बहुत ही अपर व्यवहार किया, जो कि एक ऑफिसर को शोभा नहीं देता। बात यह है कि हम आपके माध्यम से आज एडमिनिस्ट्रेशन को ये क्लियर चेतावनी देते हैं कि 2 दिन के अंदर